देहरा रामगंज स्थित फुटवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, सकड़ी गली होने से हुई परेशानी। दमकल की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रामगंज पुलिस चौकी के पास गुरुवार देर रात जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कोई छनहानी हादसे में नहीं हुई। दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकानदार को करीब 5 लाख के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रामगंज के करीब 10 फीट सकड़ी गली से सोनू फुटवेयर की शॉप में गोदाम में रात करीब 10:30 बजे अचानक आग लग गई। लोगों ने शोरूम में मिट्टी और पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सकड़ी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड के वाहन मौके तक नहीं पहुंच पाए। क्या सूचना मिली थी? कल रात को 10:30 बजे ब्यावर रोड रामगंज पुलिस चौकी है, वहाँ पर पुलिस चौकी के पास में एक सोनू फुटवेयर की दुकान है, वहाँ पर जो है आग लग गई थी। तो लोगों ने वहाँ पर, आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश करी थी बुझाने की, मगर नहीं बुझ सकी वो, क्योंकि तंग गली है। तो तलाशी फायर ब्रिगेड को वहाँ से गाड़ी भेजी हमने, एक गाड़ी, तो उससे कंट्रोल में नहीं आई। फिर हमने दो गाड़ियाँ और भेजी, तो उससे कंट्रोल कर ली। करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ, मगर चूंकि गोदाम इसी जगह बना रखा है, जगह तंग गली है, तो गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी आराम से। फिर भी हमने उसको कंट्रोल किया गया। सुबह भी गाड़ी, फिर वापस सुबह एक और गाड़ी भेजी इसको, तो थोड़ा बहुत रह गया था, अभी काबू हुए हैं।